उपनगर मालाड पश्चिम में जवाहर ताराचंद कौल चौक का उद्घाटन करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के कैबिनेट मंत्री असलम शेख, फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी और सांसद गोपाल शेट्टी विशेष रूप से पहुंचे। एकता मंच के अध्यक्ष व चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर हाईस्कूल के प्राचार्य अजय कौल के पिता जवाहर ताराचंद कौल के स्मृति पर चौक का नामकरण किया गया है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं भी यही कह रहा था शबनम जी से, जब गोपाल अन्ना को बुलाया आपने, मेरी जरूरत ही नहीं थी। और उन्होंने खुद भी कहा कि एक जब बड़ा आदमी बैठा हुआ है तो छोटे की क्या जरूरत थी। तो आपने सही कहा कि मुझे बुलाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या है, शबनम जी और अजय जी के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी
पुराना कहूँगा या पुराना यूज इस्तेमाल कर सकता हूँ। पुराना है, वाकई मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ, उनके फिल्म में भी काम कर चुका हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। अजय जी जिस तरीके का काम करते आ रहे हैं एडुकेशन फील्ड में, वो हम सब देखते ही आ रहे हैं। और मैं भी अवेयर हूँ कि पिछले जो 2 साल से वो लोगों के लिए भी काम करते आ रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। जवाहर कौल जी के इस चौक के उद्घाटन के लिए हमें बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया परिवार को। 1945 से उनकी शुरुआत हुई, और असम भाई के साथ बैठ के मैं यही डिस्कस कर रहा था कि उस जमाने में जो एक्टर हुआ करते थे मर्द हुआ करते थे, उनकी उनकी लुक्स हो, उनकी वॉइस हो, उनकी चाम हो, जिस तरीके से वो बोलते थे उसमें ऐसे नहीं लगता गया कि इंसान एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा, इतने नेचुरल थे। तो बहुत ही खूबसूरत, और उनको इतना सम्मान देना बहुत ही गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस अजय जी, शबनम जी एंड टू ऑल द मेंबर्स ऑन द डायस, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम। आणि हा मराठी भाषा दिवसाच तुम्ही सर्वांना माझ्या शुभेच्छा। थँक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। 1945 से वो फिल्म में काम करते आ रहे हैं, उनकी बेटी के साथ मैंने काम किया हुआ, एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने काम किया शबनम जी के साथ। चौक चौक एक बहुत ही खूबसूरत और अलग चौक भी है, देखने में भी ऐसे लगता है जैसे एक पीस ऑफ आर्ट है और एक आर्टिस्ट का नाम उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए बहुत बहुत मुबारक बात देना चाहिए पूरे परिवार को। सर, मामले पर आपने क्या कहा? बहुत ही दुख भरी कहानी है ये, क्योंकि जीत पर में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ हार ही हार होती है और लोगों को की हार होती है। तो बहुत ही खराब लगता है। कौन से भारतीय छात्र वहाँ पे अभी फंसे? लेकिन बहुत से छात्र वापस भी आए हुए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और सरकार को और सारे लोगों को जो मदद कर रहे हैं उनको सलाम करना चाहूँगा, और लगातार कोशिश है सारे बच्चों को और फैमिलीज को वापस भी लाने, और यही दुआ करूँगा कि खुशहाल और सुरक्षित वापस आए। सुनिए सर, अजय सर के साथ किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं? अच्छा, देखो आणि त्यांच्याबद्दल कितीही बोलला तेवढा कमी आहे, कारण जेव्हा देश स्वतंत्र झाला, स्वतंत्र झाल्यानंतर जेव्हा आपली मायानगरी म्हणजे फिल्म इंडस्ट्री जगत होती, त्या टायमाला ते अभिनेता होते आणि त्यांनी चांगली कामामध्ये केलेली आहे, आणि त्यांचे चिरंजीव विजय कौल हे चांगली कामं गेल्या कितीही वर्षापासून एज्युकेशन फील्डमध्ये करत आहे, आणि त्यालाच बघून आज सगळे पक्षाचे लोक इथे आले आहेत। हे सर्व मत दिसा चाल्या प्रकरणात मालवणी पोलिसांनी, अरे दिशा और क्या कहानी छोड़ो, चला करे स्टार्ट कर। हाँ। सर, आज जो चौक लॉन्च हुआ है क्या कहना चाहेंगे सर उस बारे में, और किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप अजय सर के साथ? देखिए, आज मराठी भाषा दिन के अवसर पर जवाहर कौल चौक के नामकरण होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुंबई शहर के लिए और खास करके मलाड़ के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये नामकरण का प्रस्ताव हमारी नगर सेविका सेजल दहिसे ने मुंबई महानगर पालिका में प्रस्तुत किया और सारे नगर सेवकों ने मिलकर उसको एक मत से पास किया, इसलिए मैं सारे नगर सेवकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अजय कौल जो हमारे मित्र हैं, 1998 में जब मैं मुंबई शहर का पहला डेप्यूटी मेयर बना था तब से मेरा उनके साथ में संबंध प्रस्थापित हुआ और एक बहुत लंबे समय से मैं उनको जानता हूँ। एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करते हैं और खास करके एक चौक का नामकरण होने के बाद में उनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए मैंने अपने भाषण में भी यही कहा कि हमारा जो रिलेशन बना है और खास करके आज शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग जब एक साथ में आए हैं तो उनके माध्यम से मुंबई शहर के मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा काम हो और राहत भरा हो, ये अपेक्षा मैंने उनसे की है। और मुझे पूरा विश्वास है, अशोक यादव भी मेरे हम नगर सेवक के रूप में कॉरपोरेशन में काम करते थे, वो भी विधायक बने, मैं भी विधायक बना, और एक अच्छा माहौल में कार्यक्रम को देखने के बाद में मराठी दिन का जो सम्मान हम सबके मन में था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। उसका कारण यह है कि कश्मीरी पंडित का नाम मलाड़ के एक चौक को हमने दिया है और कश्मीरी पंडित के पंडित लोगों ने किस प्रकार के मुश्किलों को झेला है बीच के कार्यकाल में वो हमने देखा है,
मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के नामकरण से हमारी जो नज़दीकियाँ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अजय सर, आज का दिन कितना खास है आपके लिए? ये मेरे पिताजी के नाम के ऊपर नामकरण हुआ है चौक का, ये हमारी पूरी फैमिली की एक बहुत बड़ी बात है। और सर, इतनी बड़ी बड़ी डिग्निटरीज यहाँ पर आई है चौक लॉन्च करने के लिए, सर कितना प्राउड फील होता है और क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? ये सबका बड़प्पन है कि जो उन्होंने हमको सचमुच इतना मान देकर वो सब इसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हम उन सबका बहुत बहुत हम आभारी है पूरे गांव परिवार की तरफ से। सर, सर आज क्या कहना चाहेंगे? एक चौक यही रोड का दूसरा चौक आपके एरिया में बड़ा है, ऐसे लड़के के लिए आप क्या कहोगे जो आपके माता पिता से इतना प्यार करते हैं? क्या कहा आपने? सर, अजयपाल सर की माता जी का जो एक चौक है जो यही रोड पे है और दूसरा चौक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी बना है, ऐसे लड़के के लिए क्या कहोगे जो अपने माता पिता से इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं? नहीं, भाग्यवान है अजय भाई, मुंबई जैसे शहर में माता और पिता दोनों का नाम मुंबई जैसे बड़े चौक और रास्ते पर देना, उन्होंने अपने जीवन में निश्चित कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, तब ये सुनहरा अवसर उनको मिला है, आने वाले दिनों में और अच्छा काम करे यही उम्मीद हम उनसे करते हैं। सर, एक प्रश्न है, पुत्र भाव ऐसा गुंडा सो म्हटलं जायचं, ती व्याख्या अजय कौर सरांवर लागू होते का? निश्चितच, जे चांगला काम करतात त्यांना त्यांच्यासाठी सर्व चांगल्या गोष्टी लागू होतात, आणि आज हा महाराष्ट्र दिनानिमित्त त्यांच्या वडिलांच्या नावाचं चौकाला नामकरण होणं या मुंबई शहरामध्ये ह्याच्यापेक्षा मोठी भाग्य आणखीन का असू शकते कोणासाठी? चलो, धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि डेढ़ से दो साल में कोविड पीरियड में अजय कौल साहब ने जो लोगों की सेवा की है, हम भी उनके साथ में जुड़े थे, और आज एक अच्छी जगह एक अच्छे चौक को नाम दिया गया, वो भी कश्मीरी पंडित। इन लोगों को पता है कि कश्मीरी पंडितों ने क्या झेला इस हिंदुस्तान के आज़ादी के पहले से, तो ये सब उनका तकदीर है कि उन्होंने जो जन सेवा की है, लोगों की सेवा की है, उसके वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम, वो भी एक आज महाराष्ट्र दिन है, सबसे बड़ा दिन है महाराष्ट्र के लिए, और ऐसे दिन पे एक चौक का उद्घाटन हुआ है, उनके पिताजी का नाम आया है और उनकी जो हिस्ट्री हमने देखी जबकि हमारा जन्म भी नहीं होगा उस टाइम पे, उन्होंने जो काम किया है, जो पिक्चर देखे वो हम शौक लगाए कि सही में कौल फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है, और उनके साथ में हम चल रहे हैं तो हमको भी एक स्वाभिमान है कि एक अच्छे फैमिली के साथ में हम चल रहे हैं। यहाँ पे वर्षों बाद शिवसेना और भाजपा का झंडा एक साथ देखा, पोस्टर में भी होड़ देखी गई, क्या कहना? देखिए, अगर मैं आपको मन की बात अगर कहूँ तो भले पार्टी अलग हुई है लेकिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के जो मतदार है और कार्यकर्ता है वो राष्ट्र के साथ में है, हिंदुत्व के साथ में है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। और मराठी भाषा दिवस के अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का झंडा साथ में आया है तो ये जो मतदार है वो मन से एक है, इसका ये संकेत मिलता है मुंबई शहर के लोगों को। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके खास मौके पर जब चौक लॉन्च हुआ है यहाँ पर? मैं एज इन मदर मैं ऐसा समझूंगी कि हर एक माता ऐसे सोचेगी कि अजय अंकल और दीदी के जैसे मीन्स लाइक पेरेंट्स के बच्चे हो कि इस तरीके से मुंबई शहर में नाम देना, और आज महाराष्ट्र दिन मराठी दिन के नाते ये हमारी पार्टी की विचारधारा ही है कि जो हमें यहाँ तक लाती है। एक कश्मीरी पंडित का जिस दिन हमने देहांत हुआ सामने से ही बोला कि ये बहुत जल्दी हो जाता, अगर कोरोना का टाइम नहीं होता तो ये इनोग्रेशन बहुत पहले हो सकता था। और मैं अपने आप को भी भाग्यवान कि मुझे एक कश्मीरी पंडित और एक अच्छे जो समाज सेवा का काम करते हैं उनके चौक का नाम करने का मौका मिला। थैंक यू सर।